अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमैमा सरदार बलोच एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रिव्यू व्लॉग लाई हूँ और ईद और रमज़ान सीरीज़ के बाद लाई हूँ। इट हैज़ बिन सो लॉन्ग और आई हैव एंजॉयड माय ईद, सब रमज़ान भी ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग आफ्टर ईद उल फित्र, लेट्स गो। So guys, I got my hand on this Balzin's 2x spicy knorr noodles just in 170 rupees और दराज पे भी इजीली अवेलेबल है। तो पीछे इसके स्टेप्स मेंशन है कि किस तरह इनको पकाना है, तो हम अभी उनको पकाएंगे और फिर इसके बाद इसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले सॉस पैन में 3 से 4 कप जो है वो आप पानी ले लें। अब मैं आपको ये पैक खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको 2 नूडल्स और 1 कनौर का इंस्टेंट मसाला पैक मिलेगा। नूडल्स का साइज़ बिल्कुल वैसा है जितना चटपटा और चिकन स्पाइसी नूडल्स सब में होता है, लेकिन यहाँ 2 पैक्स आते हैं, एक एज़ कम्पेयर टू अदर्स उनमें सिंगल होता है। मैंने सारा मसाला जो है वो ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने अपने जो नूडल्स हैं उनको ऐड कर दिया। इफ़ यू वांट टू मिक्स अप तो मिक्स कर ले, वरना और नॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक छोटे छोटे से नूडल्स तो आप इनको ब्रेक कर सकते हैं, आई डोंट लाइक दैट। जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि नूडल्स के साथ सॉसेजेस तो कंपल्सरी है ना मेरे, तो आई वेंट फॉर दैट वन। आई एडेड जब तक ये बॉयल हुए, आई फेल्ट दैट कि ये पानी थोड़ा ज़्यादा मेंशन था, 4 कप्स थे, मैंने फिर भी 3 ऐड किए, फिर भी मेरे नूडल्स जो हैं वो कुक हो चुके थे लेकिन पानी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। जब मुझे फील हुआ कि मेरे सॉसेज जो है वो कुक हो गया, तो मैंने उसको बाहर निकाल के स्मॉल क्यूब्स में उसको कट करके दोबारा से ऐड कर दिया ताकि मसाला इसके अंदर भी ऐड अप हो जाए। नाउ यू कैन सी इट्स बॉइलिंग अप एंड इट्स गेटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। मैं पानी के सूखने का वेट कर रही हूं। आई हैव बीन ऑलवेज द फैन ऑफ रामेन नूडल्स, उनकी थिकनेस बहुत अच्छी होती है एंड देयर सॉस इज सो थिक और उनका जो स्पाइसीनेस होती है ना वो मज़े की होती है। और उसके डिफरेंट पैकेजिंग वाले डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई किए हुए हैं, दैट पर्पल वन, दैट पिंक वन, दैट रेड वन, दैट गोल्डन वन। गोल्डन वन तो मैंने कल ही ट्राई किया है। दे आर सो गुड एंड दे आर ऑल आर स्पाइसी एट डिफरेंट लेवल एंड दे हैड डिफरेंट स्पाइस बड्स। आई थिंक कोरियन पीपल रियली नो हाउ टू हिट डिफरेंट स्पाइसी बड्स ऑफ योर टंग and I really love that. So today I'm going to try the knorr one जो कि अभी boil तो हो रहा है and I can feel कि उसकी soup में वो thickness नहीं आ रही जो ramen की होती है and I can feel that same carrots in it the way you can have in chatpata knorr. So let's see how it goes. So you guys can see that these are almost ready. मैंने इनको बाउल में निकाल लिया था, but the quantity was so good. Like quantity काफ़ी ज़्यादा है इसकी, मतलब 2% is fine. So guys, I'm going to try this. I'm going to have its first bite. Let's try. इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक हाफ बाउल। स्पाइसी इतना मज़े का नहीं है, मतलब लाइक स्पाइसी स्पाइसी जिसको कहा जाता है। लेट्स ट्राई इट विद हॉट डॉग। लेट्स ट्राई इट विद सूप, क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी नहीं लग रहा। It really looks, मतलब it really tastes like के we are having chatpata flavor, लेकिन थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा है उसमें as compared to chatpata. बाकी सेम वैसा ही है, कोई ख़ास मिर्ची नहीं है, क्योंकि मैं शायद रामेन ट्राई करती हूँ। सो आई एम ट्राइंग दिस विद द सूप। Exactly. If you are going to try this 2x Brazilian, then I will recommend कि आप इसकी जगह चटपटा के 2 packs try कर ले। It's not that much spicy if you are having ramen and you have ever tried ramen. It's not like that. It's the jumbo pack of चटपटा with हल्की सी ज़्यादा मिर्च है इसमें और
इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा मुझे इसका, जबकि होना चाहिए था, इसको मच बेटर कर सकते थे। सेम चटपटा का मसाला विद डिफरेंट पैकेजिंग बेचने के बजाय न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता था। सो दैट्स गुड। जिसने रामेन नहीं ट्राई किया उसके लिए ये बहुत मिर्चों वाला है। जो बच्चे ज़्यादा मिर्चों वाला खाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, आई विल रिकमेंड दैट। बट जो रामेन ट्राई करते हैं आई विल नॉट आस्क देम टू शिफ्ट हियर। ये इतना भी अमेजिंग प्रोडक्ट नहीं है। आपको वो वाले नूडल्स नहीं पसंद आते? ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं, मिर्चे हैं। सर्दी में भूख लगती है, बाहर बारिश हो रही है इसलिए भूख लग रही है आपको। अच्छा वो वाले ज्यादा अच्छे थे, ये वाले ज्यादा अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। मिर्चे दोनों में। हमजा को वैसे रामेन नूडल्स बिल्कुल नहीं पसंद, वो एकने वाले से ज्यादा कभी भी नहीं खाते हैं। आज ये बैठ के बेलजियन कनोर नूडल्स खा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और ऐसे रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और मैं कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ जिनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।